मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। नगर में आज मनाई गई ईद उल अजहा, आज मुस्लिम समाज द्वारा ईद मनाई गई, जिसमें कम संख्या में लोग उपस्थित रहे। सुबह 8 बजे के करीब नमाज अदा की गई और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। साथ ही भारी बारिश में पुलिस प्रशासन का भी अच्छा सहयोग रहा। मुस्लिम समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा शांति और भाईचारे का संदेश देते हुए संपूर्ण देशवासियों को ईद की बधाई दी और कोरोना जैसी बीमारी से निजात पाने के हक में दुआ मांगी गई। कोरोना काल की गाइडलाइन का पालन करने का सभी से निवेदन किया। साथ ही पुलिस प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया गया। राजगढ़ से विक्रम सिंह चावड़ा की रिपोर्ट। राजगढ़ चौकत खान सदर बोल रहा हूँ मैं। ईद के सभी पूरी भारत को मेरा सबका सलाम पेश करना और सबको बीमारी दुखारी से बचाए। हम दुआ ये अल्लाह से दुआ करते हैं, बच्चे से लगाए बुढ़े तक दुआ यही होना चाहिए बीमारी दुखी से बचे और मास्क का बिल्कुल ध्यान रखें, मास्क पहने। आज आपके द्वारा ईद वगैरह की गई है, इस पर आप क्या शुभकामनाएं देना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? आज ईद उल अजहा के इस शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को मुस्लिम समाज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और विशेषकर इस शुभ अवसर पर कोरोना वायरस के लिए दुआ मांगी गई है कि अल्लाह इस कोरोना वायरस को खत्म करे। कितनी बजे से आज और कितनी जनसंख्या में आपने आज नमाज अदा की है? 8 बजे से हमने नमाज अदा की है, 10-15 लोगों की उपस्थिति में नमाज हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग और पुलिस प्रशासन का भी इसमें विशेष सहयोग रहा है। आपका नाम? फारूक अहमद खान, शेर गाजी।